हाय फ्रेंड, आज मैं बनाने वाली हूँ तोरई और चना दाल की सब्जी बिहारी स्टाइल। आइए देखते हैं ये तोरई और चना दाल कैसे बनता है। इसके लिए पहले हमें तोरई को छील लेना होगा, छीलने के बाद धोना पड़ेगा। तो फिर नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ कैसे तोरई और चने दाल बनता है। लीजिए फ्रेंड, मैं तोरई को अच्छे से धो के और छील के रखी हूँ। और हाँ, यहाँ पे तोरई है आपका 1 पाव और चना दाल है 100 ग्राम। तो मैं इसमें 2 छोटा छोटा मीडियम साइज का प्याज डालूंगी, 1 छोटा सा टमाटर और थोड़ा सा धनिया और 7-8 हरी मिर्च। तो आइए कैसे बनता है तोरई और चना दाल देखते हैं। मैंने धो के छील के तोरे रखे थे जो, तो उसको मैं छोटा छोटा टुकड़ा में काट लूंगी। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ा में मैंने काट के रख लिया तोरे को। अब मैं जो छोटे छोटे प्याज ली थी उसको मैं छोटे छोटे टुकड़ा में काट लूंगी और टमाटर को। फ्रेंड, मैंने 2 छोटा छोटा जो प्याज लिया थे उसको टुकड़े टुकड़े में मैंने काट लिया है। टमाटर को मैंने टुकड़े टुकड़े में काट लिया है और जो मैंने हरी मिर्च लिया था 4-5 उसको भी मैंने जो है टुकड़े टुकड़े में काट लिया। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं तोरई और चना दाल कैसे बनते हैं। देखिए फ्रेंड, मैं अब गैस को जला दिया। अब मैंने गैस में कुकर चढ़ाए। अब जब कुकर गर्म हो जाए इसमें मैं तेल डालूंगी। गर्म हो गया, इसमें मैं 1 या 2 चम्मच जैसा सरसों का तेल डाल दूंगी। और थोड़ा बहुत रिफाइंड ऑयल। मैं रिफाइंड और सरसों का तेल मिला के कुछ कुछ खाना जो बनाती हूँ, जैसे हो गया आपका 1 चम्मच सरसों का तेल या तो 1 चम्मच रिफाइन ऑयल। आप लोग चाहे तो फ्रेंड सरसों का तेल ही से ये बना सकते हैं। देखिए तेल हमारे गरम हो गया, हमारा गरम हो गया। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा बहुत जीरा और इसमें डालूंगी मैं काली मिर्च और दालचीनी। गैस को मैं थोड़ा सा कम कर दूंगी ताकि मेरा जो है जीरा और दालचीनी और काली मिर्च जले नहीं। और फिर उसके बाद मैं इसमें डालूंगी प्याज। मैंने इसमें प्याज डाल दिया, फिर इसको मैं चला दूंगा। जब ये प्याज हल्का सा ब्राउन हो जाए फिर इसमें मैं डालूंगी अदरक का पेस्ट और लहसुन पेस्ट। उसके बाद मैं डालूंगी टमाटर। देखिए फ्रेंड, कुकर में प्याज डाला था वो हल्का ब्राउन कलर का हो गया, इसमें मैं अब डालूंगी एक छोटा चम्मच के अदरक। दोनों को अच्छे से फ्राई करेंगे। मैंने हरी मिर्च काट के रखी थी, साथ में वो हरी मिर्च प्याज का मैं डाल दूंगी। ये देखिए मैंने हरी मिर्च भी डाल दिया इसमें। मैंने डाला था हरी मिर्च अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको मैं अच्छे से
फ्राई कर लूंगी। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा, हल्का गोल्डन ब्राउन जैसा कलर आ जाएगा इस पर, फिर मैं इसे टमाटर डाल दूंगी। प्याज जो है हल्का गोल्डन ब्राउन बन गया है। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। मैंने इसमें टमाटर डाल के थोड़ा सा चला दिया। अब जब ये टमाटर इसमें बन जाएगा, सारा प्याज मिर्च अदरक लहसुन सारे कुछ जब गल जाएगा, तो मैं इसमें हल्का सा पानी डालूंगी। हल्का सा पानी इसलिए डाला कि मुझे ना गया। अगर ये जल जाएगा तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया, तो ये नहीं बना। अब मैं इसमें डालूंगी नमक। मैंने इसमें नमक डाल दिया, स्वाद अनुसार मैंने इसमें नमक डाल दिया। अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी। मैंने इसमें हल्दी डाल दिया। और मैं इसमें डालूंगी, जैसे आपको तीखा खाना है, हल्का या ज्यादा खाना है, उस हिसाब से आपको मिर्च पाउडर डालना है। तो मैंने इसमें एक चम्मच मिर्च पाउडर डाल दिया। और मैंने इसमें एक चम्मच डेढ़ चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया। और मैं इसको चला दिया था। जितना मसाला मैंने अभी डाला फिर वो नहीं जल गया। अगर ये जल जाएगा तो इसका टेस्ट खराब हो जाता है, तो इस वजह से मैंने इसमें हल्का फुल्का पानी डाला था। देखिए इसका कलर कितना अच्छा है ना। देखिए तो कलर चेंज हो गया। जब इसमें हल्का फुल्का तेल ऊपर दिखे आपको, तब इसमें मैं डालूंगी तोरण। इसमें तेल नजर आ रहा है, देखिए इसमें डालूंगी तोरण। ये मैंने तोरण डाल दिया, डाल के मैं इसे चला दूंगा। मैंने इसको चला दिया। तोरा डालने के बाद मैं डालूंगी चना दाल। पहले मैं चना दाल को धो लूं। दोस्तों मैं चना दाल को पहले से भिगो के रखने से आपका जल्दी बन जाता है, लेकिन मैंने चना दाल भिगोने भूल गई थी, इसलिए मैं अभी धो के और कुकर में डालूंगी। और कुकर में अब बनाइएगा ना तो चना दाल बन ही जाता है, तो फिर बन जाएगा। तो मैं धो लूं फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। मैंने चना दाल को धो लिया। अब मैं इसमें चना दाल को डाल देंगे। मैंने चना दाल रोटी में डाल दिया। अब मैं तोरई और चना दाल को अच्छे से चला दूंगा, ये नीचे नहीं जल लगे और जल जाए। मैंने चला दिया। और मैं इसको किसी चीज से ढक दूंगी, प्लेट से इसको ढक दी कि ये थोड़ा सा जब पक जाएगा, इसमें मैं पानी डालूंगी, 2 कप पानी डालूंगी मैं। और फिर उसके बाद कुकर का ढक्कन लगा के मैं 4 से 5 सीटी लगा दूंगी। उसके बाद आपका तोरई और चना दाल बन जाएंगे।
मैंने प्लेट हटा के थोड़ा बहुत चला दूंगी। छोटा ग्लास का 2 ग्लास पानी डाल दूंगी, 1 ग्लास एंड 2। तो मैंने इसमें 2 ग्लास छोटा ग्लास का पानी डाल दिया। अब मैं इसमें थोड़ा बहुत गरम मसाला डालूंगी। तो मैंने इसमें छोटा 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिया। इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिया था। अब मैं कुकर का ढक्कन लगा के कम से कम 4 से 5 सीटी लगा दूंगी। फ्रेंड अब देखते हैं तोरई और चना दाल ढक्कन खोलने के बाद कैसे दिखता है। देखिए हमारे तोरई और चना दाल एकदम पक चुका है। तो अब मैं जो धनिया धो के रखी थी उसको काट के मैं इसमें डाल दूंगी। ये है धनिया, अब मैं काट के इसमें डाल दूंगी। मैंने पहले इसमें धनिया इसलिए नहीं डाला फ्रेंड, क्योंकि इसमें पहले धनिया डालने से ये पूरा गल जाता है और धनिया का टेस्ट पता नहीं चलता है। अब मैं दाल बनने के बाद मैं धनिया ऊपर से डालूंगी और फिर मैं सर्व कर दूंगी। और ये अब जो है ना, ये दाल जैसा रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। एक बार बना के घर पे खा सबको खिला के देखिए कैसा बनता है। एक बार जरूर बनाइएगा फ्रेंड घर पे आप लोग। धनिया तक काट के डाल दिया और देखिए चना दाल अतोरे बन गया। और ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत हेल्दी भी होता है। ये चना दाल अतोरे मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, जिसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। अब कुकर में बनाया गया ना तो फ्रेंड जल्दी भी बन जाता है और बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है। एक बार जरूर आप घर पे बना के आप लोग देखिएगा। तो बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।